हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैं यहाँ पे व्लॉग लेकर आई हूँ। आज मम्मी किचन में है, इसलिए आज मम्मी ने कहा था कि आज तुम ही वीडियो स्टार्ट कर लो, तो मैंने आज मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। और अभी मैं स्टडी करने के लिए बैठी हूँ, सोचा कि थोड़ा सा स्टडी कर लूँ, उसके बाद फिर आप लोग को मैं ले चलती हूँ किचन में, जहाँ पे मेरी मम्मी खाना बना रही है। लॉकडाउन में तो अभी स्कूल खुला है नहीं, इसलिए सोचा कि घर में पढ़ लेती हूँ। गाइस देखिए, अब मैं किचन आ गई हूँ और ये देखिए आज सब्जी में क्या क्या बनेगा वो सब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देखिए ये सब बनेगा आज को सब्जी में। मम्मी खाना बना दी है, यहाँ पे चावल को दिया पकने के लिए, यहाँ पे मम्मी खाना बना रही है। जैसा कि आप लोग सोच रहे हैं मैं बाल्टी लेके कहाँ जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे आम को तोड़ने के लिए आई हूँ। बहुत सारा आम है तो सोचा तोड़ लूँ, इधर बहुत चोरी हो जाता है क्योंकि ये बैकग्राउंड के पीछे है, इसलिए सारा आम चोरी हो जाता है। कल बहुत सारा आम चोरी हो गया था, तो मम्मी ने सोचा कि सारे को तोड़ लेते हैं। सारे तो नहीं तोड़ेंगे, कुछ कुछ तोड़ेंगे ताकि हम लोग आम को पका हुआ भी खा सके, तो ऊपर का सारा आम रहने देंगे। ये देखिए आम थोड़ा कच्चा है, पका नहीं है। देखिए मैंने बाल्टी में भर लिया है सारे आम को। अब मैं इसे वॉश करने ले जा रही हूँ। ये मैंने नल चला दिया है और अच्छे से इसको धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। देखिए सब्जी बनाने आ गए हैं। यहाँ पे कुकर पे तेल दे दिया, थोड़ा सा पचफोरन, सूखा मिर्ची, धोया हुआ साग का खारी, इसमें डालेंगे आलू और कद्दू का साग, इसमें मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक। और परिमाण अनुसार टर्मरिक को मिक्स करेंगे। इसमें देंगे भिगोया हुआ सोयाबीन, इसको भी मिक्स करेंगे। इसमें देंगे मसाला का पेस्ट, मिलाएंगे कलर के लिए मिर्च पाउडर, इसमें देंगे थोड़ा पानी। यहां मैंने कढ़ाई में तेल दे दिया है, इसमें डाल रही हूँ पचफोरन। अब बनाएगी मम्मी आम की सब्जी।
सूखा मिर्च, अब डालेंगे इसमें आम, थोड़ा सा नमक, मिर्च गुंडी, थोड़ा सा मरीच गुंडी, थोड़ा सा चीनी, इसमें थोड़ा पानी दे दिया है। ये बन के रेडी है और सब्जी भी बन के रेडी है। इसको कटोरे में डाल देते हैं। देखिए सब्जी बन के रेडी है और ये है आम का, ये भी बन के रेडी है।